अरे कृष्णा दोस्तों दोस्तों इमेजिन कीजिए, आप लोग रात को गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक से आप लोगों की नींद खुल जाए तो क्या होगा? आप लोग कोई ऐसा प्यारा सपना देख रहे होते हैं, जैसे कोई सपने में करोड़पति बन जाता है, कोई लखपति बन गया, कोई सोचता है आज मैंने ये बाइक ले ली, आज मैंने ये 20 लाख की गाड़ी ले ली सपने में ही, और वो सपना जब टूट जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है। अब सपना टूटा क्यों? क्योंकि रात को हमें पेशाब आ गया, रात को यूरिन आ गया, हमारा सपना टूट गया। और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं नॉक्टूरिया, NOCTURIA, नॉक्टूरिया। बात को समझ, जैसे इस वर्ड को, इसको आप लोग याद रखना, हमेशा अपने दिमाग में इस बात को ध्यान से रखना, रात को बार बार पेशाब आने की बीमारी को क्या बोलते हैं? नॉक्टूरिया। अब रात को पेशाब आ क्यों गया? रात को पेशाब हमें बार बार आता क्यों है? हम ऐसा क्या करें और क्या ऐसी गलतियां करते हैं? देखिए, अगर मैं आपको सिंपल देसी भाषा में समझाऊंगा, अब हिमाचल से जुड़ा बंदा हूँ भैया, देवभूमि से जुड़ा बंदा हूँ, तो हमारे लिए गमछा, तुलसी की माला गले और हाथ में ये सब बांधना जरूरी होता है। देवभूमि कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। तो यहाँ पर जो भी आप बातें आपको बताता हूँ, हमेशा सच बताता हूँ, किसी भी तरह की आप लोगों को मैं गलत जानकारी नहीं देता। अब बात आती है, रात को पेशाब बार बार आ क्यों रहा है? अगर आप लोग रात को सोने से 3 घंटा पहले पानी पियेंगे तो रात को आप लोग सो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि वैसे ही आप लोगों को रात को बार बार पेशाब आने की बीमारी है, ठीक है? और ऊपर से आप लोग गलत काम ये कर रहे हैं कि सोने से पहले पानी और पी रहे, तो रात को पेशाब अगर 5 बार आता है तो 10 बार आएगा। इसलिए हमेशा आप लोगों को वीडियोस में सजेस्ट करता हूँ, कभी भी सोने से 3 घंटे पहले पानी मत पीजिए, बंद कर दीजिए। रात को जैसे अगर आप लोग 11 बजे सोते हैं या 10 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं तो 7 और 3 10, 7 और 10 बजे के बीच में आप लोगों ने पानी की एक बूंद तक नहीं पीनी। अब यहाँ पर गलतफहमी आप लोगों के दिमाग में एक ये पाल रखे कि जितना ज़्यादा ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपका किडनी स्वस्थ रहेगी, जो बिल्कुल एक गलत धारणा है। मैं बताता हूँ क्यों मैंने ये इतनी बड़ी बात आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, क्यों मैंने ये बहुत बड़ी बात आप लोगों को बोली। देखिए, हमारे शरीर को 2.5 लीटर पानी जो होता है सफिशियंट है, इससे ज्यादा पानी पीने की जरूरत बिल्कुल भी कतई नहीं होती है। लेकिन आप लोग यहां वहां की बातें सुनकर 4 4 लीटर पानी, 5 5 लीटर पानी पीना शुरू कर देते हैं, किडनी का आप लोग कबाड़ा कर लेते हैं। जब प्यास नहीं लगती तो पानी क्यों पीते हो? जब प्यास नहीं लगती है तो पानी क्यों पीते हो? जब प्यास लगेगी, मुंह आपका सूखेगा तो आपको पानी पीने के लिए जाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा ना। अब भूख नहीं लगती तो खाना आप लोग नहीं खाते, लेकिन अगर बिना प्यास अगर आप लोग पानी पियेंगे तो किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर, भार बढ़ जाएगा। आप लोग सर के ऊपर 20 किलो भार उठाते हैं, 20 किलो भार उठाते हैं। मानो आप अपने सर के ऊपर एक सिलेंडर रखते हैं, सिलेंडर गैस का, उसको आप लोग उठा लेते हैं। अगर मैं आपके सिर के ऊपर 2 गैस के सिलेंडर रख लूं तो उठा पाओगे, चल पाओगे? हो सकता है 1 2 कदम चल पड़े, 1 2 कदम, फिर क्या होगा? उसके आगे जो होगा वो आपको पता है। यही चीज है, अगर आपके शरीर को पानी की जरूरत नहीं है, पानी प्यास नहीं लग रही, तो पानी पिए जा रहे हो 3 लीटर, हमने इसने बताया उसने बताया, ज्यादा पानी पियोगे स्वस्थ रहोगे, पीते जा रहे हो, तो किडनी कब तक उस प्रेशर को झेलेंगी? आखिरकार भैया लोहे की तो हमारे गुर्दे बने नहीं है, समझा गई बात? थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचा करिए, बात कॉमन सेंस आप लोग यूज किया करिए। हम मेडिकल लाइन से जुड़े बंदे हैं, जब मैं बोल रहा हूं कि 2.5 लीटर पानी सफिशियंट है, मैं 2.5 लीटर से ज्यादा पानी दिन में नहीं पीता, क्यों पीऊं? जब प्यास नहीं लगती तो क्यों पीना है? बात को समझिए, ये बहुत बड़ी गलती आप लोग करते, इस गलती को आज से अभी से इसी समय से सुधार लीजिए। दूसरी गलती, अगर आपको बार बार पेशाब से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जैसे अगर आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होता है, या आप लोगों को ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर की समस्या है, या इसके अलावा आपको पेशाब से जुड़ी और कोई भी समस्या है,
अगर उनको आप नज़रअंदाज कर देते हैं बहुत समय से, आप लोग सोचते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, इलाज इलाज भी करवाते हैं लेकिन साथ में अगर परहेज नहीं करते तो आपको समझ लीजिए कि ये समस्या बार बार पेशाब आने की इस जन्म में तो क्या आने वाले 100 जन्म तक ठीक नहीं कर पाओगे आप लोग। मैंने आपको एक सीधी सी बात बता दी, बहुत प्यार से समझा रही है, आप लोग नहीं समझते हैं, मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी। इस बात को मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन अब बोलना पड़ा, मैं मजबूर था। आप लोग इस जन्म में छोड़ दीजिए सपना, आने वाले 100 जन्म तक आप लोग पेशाब बार बार आने की समस्या को ठीक नहीं कर पाएंगे, समझे बात को कि नहीं समझे आप लोग। अब बात ये आती है, आपको देखिए सब कुछ मैंने बता दिया, परहेज परहेज मैंने बताना भूल गया। जिन भी लोगों को रात को बार बार पेशाब आता है किसी भी कारण से, किसी भी रिसाय शुगर है चाहे कुछ भी है, कोई भी वजह है, रात को जिनको भी रात को बार बार बहुत ज़्यादा पेशाब आता है उनको एक काम करना है आज से और अभी से, दूध चाय कॉफ़ी ये 3 चीज़ें तो आपके लिए समझ लीजिए कि निषेध हैं, एक कटोरी भर के दही खाना है आप लोगों ने दिन में, बस इस बात का खास ख्याल, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, एक कटोरी दही आप लोगों को दिन में खाना है, जरूरी है, वो समझो आप लोगों के लिए दवाई बताई मैंने, घरेलू उपाय बता दिया दही दिन में। इसके अलावा जितनी भी गर्म प्रकृति की चीज़ें हैं चाहे उनमें सब्जियां भी आती हैं, आपका इसमें बैंगन आ गया, शिमला मिर्च आ गई, ये सब सब्जियां भी आप लोगों ने जितना हो सके कम खानी है, क्योंकि तो जितनी गर्म प्रकृति की चीज़ें आप लोग लेंगे वो आपके शरीर को नुकसान करेंगे, ये बात को आप लोग समझ लीजिए, पेशाब में जलन करेंगी वो, समझे बात को, हमारे हमेशा अपने शरीर की पीएच को मेंटेन करके रखिए, एसिडिक चीज़ें नहीं खानी है, समझे बात को, हरी मिर्च लाल मिर्च ये सब जिनकी प्रकृति गर्म है, जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें आप लोगों ने नहीं खानी, फास्ट फूड तो आपको पता ही है नहीं खाने होते। बात आती है खाना क्या है, खाना क्या है ज़्यादा मैंने बता दिया, दिन में एक कटोरी दही आप लोगों के लिए जरूरी है खाना, मैं भी खाता हूँ दही, कंपल्सरी प्रोबायोटिक गुण होते हैं, तो प्रोबायोटिक मतलब आपके पाचन को अच्छा रखेंगे, पाचन अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली आपका यूरिन जो सिस्टम है यूरिनरी ट्रैक्ट है वो भी स्वस्थ रहेगा, ये खाने आप लोगों ने ज़्यादा, और विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स आप लोगों ने ज़्यादा खाने, विटामिन सी से भरपूर फल आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खाने हैं, समझा गई बात, हरे कृष्ण बोलिए। अच्छा बात ये आती है कि अब हम कैसे इस समस्या को ठीक करें घर पर घरेलू उपाय के द्वारा, कितने दिन में, 2-3 दिन के अंदर अंदर असर दिखना आप लोगों को चालू हो जाए, ऐसा क्या करें इस समस्या से निजात पाने के लिए, आप लोगों को आज से अभी से गोखरु का काढ़ा पीना होगा, गोखरु का पाउडर होता है, 1-2 ग्राम गोखरु का पाउडर लिया, गर्म पानी में उसको उबाला, साथ में थोड़े से आप लोगों ने 1-2 ग्राम काले तिल ले लिए, दोनों को पानी में उबालो, काढ़ा बनाकर जब 1 गिलास आधा बच जाएगा उसको छान के पी लेना, और दोस्तों यकीन मानिए जो गोखरू का पाउडर उसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टीज होती है, तो विश्वास करिए करके देखिए गोखरू का पाउडर आपको जबरदस्त असर देखने को मिलेंगे, मेरे कहने से नहीं खुद करके देखिए तब आप लोगों को भरोसा जरूर होगा। और इसके अलावा ये दोनों उपाय में से कोई भी कर लेना मतलब आपको फर्क पड़ जाएगा। अब लास्ट में ये भी बता दूं जिन लोगों को पेशाब बार बार आ रहा है, ये मैंने एक उपाय ये बताया, अब ये दूसरे उपाय बताने जा रहा हूं, दोनों में से कोई भी कर ले, दोनों करते हो तब तो भैया सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी, जो असर 3 दिन में दिखना था वो 1 दिन में दिखेगा। 2 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस, घर पे तुलसी लगी है पत्ते लाओ अच्छे उनको वॉश करो पानी से धो लो, 2 चम्मच रस निकालो तुम तुलसी के पत्तों में से, और बीच में उसमें रस में तुलसी के जो रस निकाला पत्तों को उसमें 1 चम्मच शहद का मिला दो, उसको चाटो दिन में 3 टाइम, क्योंकि तुलसी में एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, सूजन को भी कम करेगी, पेशाब बार बार आता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से उसको भी ठीक कर देती है तुलसी, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा, कोई इशू नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, स्वस्थ रहिए निरोग रहिए, खाइए पीजिए आराम से, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मिलता हूँ कल के वीडियो में, तब तक पंकज शर्मा की तरफ से आप लोगों के लिए हरे कृष्ण।